नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खाना बनाना हुआ महंगा, 88 साल बाद आज मिथिलावासियों को मिली ये सौगात। 8 से 10 पंचायतों के बीच एक पशु अस्पताल का होगा निर्माण। बिहार के कॉलेजों में प्रचार्य का कार्यकाल अब कम से कम 5 साल। देश के साथ साथ बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खाना बनाना हुआ महंगा, कमर्शियल गैस सिलेंडरों के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि आज से 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गए हैं। आज से राजधानी पटना में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,089.5 रुपए प्रति सिलेंडर भुगतान आपको करना होगा। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और महंगाई का झटका लगा है। मालूम हो बीते 22 मार्च को सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अब सरकारी बैंक बेचेंगे ई स्टाम्प। रजिस्ट्री के लिए जरूरी ई स्टाम्प को लेकर बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि जमीन समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन के लिए जरूरी ई स्टाम्प अब राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे। इससे पहले स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया स्टाम्प की बिक्री करती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने स्टाम्प बिक्री की जिम्मेवारी स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया से लेकर सहकारी बैंकों को दे दी है और इन बैंकों ने अब तक 2/3 से ज्यादा निबंधन केंद्रों पर अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द ही बाकी पर भी स्टाम्प की बिक्री इन बैंकों के हाथ में होगी। आपको बता दें कि स्टाम्प बिक्री में कई तरह की अनियमितता की शिकायत के बाद निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उनके ये जिम्मेवारी वापस ले ली है। सहकारी बैंकों को अब ये जिम्मेदारी दे दी गई है। 88 साल बाद आज मिथिलावासियों को मिली ये सौगात। दरभंगा सहरसा के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज 88 सालों के बाद मिथिलांचल का एकीकरण सफल हो गया है। आज का दिन इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि आज रेल विभाग द्वारा सहरसा से दरभंगा के बीच ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। करीब 1584 करोड़ की लागत से चालू हो रहे इस रेलखंड पर रेल सेवा की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इस नई रेल लाइन का उद्घाटन दोपहर 2 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेमू पैसेंजर स्पेशल गाड़ी संख्या 05553 झंझारपुर सहरसा को हरी झंडी दिखाकर की है। आपको बता दें कि इस ट्रेन सेवा के शुरू होने का कई दशकों से इंतजार किया जा रहा था। इस इलाके के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन भी फिर से होगा, जिससे आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे और क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 8 से 10 पंचायतों के बीच एक पशु अस्पताल का होगा निर्माण। इंसान के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य भी उतने ही मायने रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ठोस कदम उठाया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर के पशु अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब हर 8-10 पंचायत पर ही पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत राज्य में हर 8-10 पंचायतों के बीच एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इससे पशुपालक आसानी से पशुओं का इलाज करा पाएंगे। पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, डोर स्टेप डिलीवरी आदि की सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था भी अब होने वाली है। अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार में ही देखे तो बारिश का मौसम बना हुआ है। पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी बिहार में कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाओं से भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ समय में आंधी बारिश की संभावना कम है। एक महीने की भीषण गर्मी के बाद राज्य के उत्तरी भाग में अच्छी बारिश देखी गई। उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य इलाके में पिछले दिनों अच्छी बारिश हुई, जिस वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक बिहार के कई इलाकों में मानसून से पहले की औसतन बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 8 मई तक मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। वहीं 10 मई तक बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। बिहार के कॉलेजों में प्रचार्य का कार्यकाल अब कम से कम 5 साल। राज्य के सरकारी कॉलेज में प्राचार्यों का कार्यकाल अब कम से कम 5 साल का होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अब ये प्राचार्य 10 साल तक अपने पद पर स्थापित रह सकते हैं। इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कराई जाएगी। विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दिए जाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन सत्यापन के लिए एंड ऑफ एंड सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर आधारित पोर्टल के लोकार्पण समारोह में कही है। बिहार यूथ कॉन्क्लेव में अपने जीवन संघर्ष का कामयाबी की कहानी बताएंगे ये स्टार। बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रहे बिहार यूथ कॉन्क्लेव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये कार्यक्रम राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 11 मई को आयोजित होने जा रही है। इंडिया पॉजिटिव के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे इस कॉन्क्लेव में करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे और अभी तक 700 से अधिक युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। इसमें पटना के कई कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड में नाम कमा रही बिहार की हस्तियां जैसे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा जैसे
जीवन के संघर्ष और कामयाबी की कहानी बताने वाले हैं। इसके अलावा देश विदेश में अच्छे पदों पर काम कर रहे बिहार के लोग और स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे लोग बिहार के युवाओं से रूबरू होंगे। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले 11 आईपीएस अधिकारी नपेंगे। बिहार के अधिकारियों के पास आए दिन आय से अधिक संपत्ति का मामला आता है, लेकिन सरकार भी इन पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए बिहार कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों ने 2020 की अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। इसके लिए संबंधित आईपीएस अफसरों को 1 महीने का समय मिला है। 1 महीने में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग में नवनियुक्त 347 चलंत दस्ता सिपाहियों को दी गई ट्रेनिंग। परिवहन विभाग में नवनियुक्त सभी 347 चलंत दस्ता सिपाहियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिवेशन भवन में किया गया। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि सभी जिलों में कुल 347 चलंत दस्ता सिपाहियों की नियुक्ति की गई। इनके सहयोग में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं जनहित के कार्यों का संचालन किया जाएगा। चलंत दस्ता सिपाहियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समस्याओं से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़े, अपने कर्तव्यों को भली भांति समझे और कार्य करे। विभाग में काम करने वाले सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के सहयोग से विभाग आगे बढ़ेगा। योजनाओं को मूर्त रूप देने में विभाग लगातार प्रयासरत है। लीची की फसल हुई खुशहाल। बिहार में सप्ताह हुई बारिश लीची की फसलों के लिए संजीवनी साबित हुई है। रसीली और मीठी लीची के लिए प्रसिद्ध बिहार में बारिश के बाद फलों में लाल रंग विकसित होने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अप्रैल महीने में तापमान में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के बाद लीची की छिलके फटने लगे हैं। हालांकि अब बारिश से लीची को लाभ हुआ है। वहीं वैज्ञानिक किसानों को कीटों से फलों को बचाने की भी सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के प्रोफेसर एसके सिंह बताते हैं कि बिहार के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की वजह से तापमान में कमी आई है, वातावरण नम हो गया है, जिसकी वजह से बिहार में मशहूर शाही प्रजाति की लीची के फल में लगभग सभी जगह लाल रंग विकसित हो गए हैं। देश के साथ साथ बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 45 पर पहुंच गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,389 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद राज्य में 11 नए कोरोना मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 8 मामले राजधानी पटना के हैं। वहीं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देशभर की बात करें तो शुक्रवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 3805 नए मामले सामने आए हैं, जहां 22 लोगों की जान भी गई। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 20,303 पर पहुंच गई है। 8 मई को होगा क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को बिहार में ही क्रिकेट का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। राजधानी पटना के राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा स्टेडियम में बिहार प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग टीमों के बीच बिहार कॉरपोरेट क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। 3 मई से शुरू हुए इस लीग में कुल 6 टीम हिस्सा लेती दिखाई दी। फाइनल मुकाबला डे नाइट होगा, जो कल खेला जाएगा। 6 टीमों में सिविल ऑडिट ऑफिसर्स 11, पीपीएसए, बासा, बीएसपीसीएल और सर्वोदय टीम शामिल है, जिसमें ऑफिसर्स 11 के कप्तान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यमृत हैं। शनिवार यानी कि आज सेमीफाइनल के 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। रविवार 8 मई को रात के समय फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में बढ़ाई गई आवेदन करने की तारीख। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में शामिल होने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख NTA ने बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 22 मई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 मई ही थी, जिसे बढ़ाकर 22 मई कर दिया गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि CUET की मेरिट से सभी 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और करीब 72 अन्य यूनिवर्सिटियों ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन की घोषणा की है। अभी तक करीब 5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, अगर महिलाओं के साथ कुछ हुआ तो ये आंदोलन एक विराट रूप लेगा। बीते दिन PMCH में हड़ताल कर रही GNM नर्सिंग की छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर तेज प्रताप ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार GNM के साथ खुलेआम चीरहरण कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मोबाइल में वीडियो क्लिप को भी दिखाया, जिसमें लाठीचार्ज किए जाने का दावा किया जा रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि सरकार से मांग है कि GNM के लिए सही व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये आंदोलन एक विराट रूप लेगा। अगर उचित व्यवस्था नहीं की गई तो जनशक्ति परिषद के सदस्य CM हाउस का घेरा करेंगे। अगर महिलाओं के साथ कुछ हुआ तो जवाब CM नीतीश को देना पड़ेगा। सरकार का चिट्ठा खोल कर रहेंगे। गुजरात टाइटंस की हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने बल्लेबाजों को लताड़ा।
भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद खूब लताड़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की सलामी जोड़ी ने बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए जीत की राह आसान कर दी थी, लेकिन उनकी टीम इसका लाभ उठाने में विफल रही और लिहाजा अंत में गुजरात को मुंबई के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया रन आउट होने के लिए खुद जिम्मेदार है। अपनी गलतियों की वजह से इन खिलाड़ियों ने जीता हुआ मुकाबला मुंबई की झोली में डाल दिया। सहवाग ने शुभमन गिल को एक सलाह देते हुए उन्हें कहा है कि अपना दिन होने पर ऐसी बल्लेबाजी करना चाहिए कि मैच के बाद लोग आपके बारे में बात करें। अगर गिल भारत के लिए T20 में खेलना चाहते हैं तो उन्हें अपने खेल में यह सुधार लाना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, गगन कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, गोल्डन कुमार यादव, शंकर मुखिया, राजीव कुमार सहनी, नुन्नू कुमार, जयमंगल बख्शी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।